क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला बादल बार बार रंग में भंग डालने लगे। नसाउ स्टेडियम में पाक भारत टीमें आमने सामने। पाकिस्तान की टॉस जीतकर फील्डिंग, मैच फिर से शुरू। रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपनिंग के लिए क्रीज पर आए। पहला ओवर शाहीन शाह अफरीदी ने कराया। बार बार बारिश से टॉस और फिर मैच ताखीर का शिकार हुआ। टॉस आधा घंटा ताखीर का शिकार हुआ। 7:30 बजे टॉस हुआ। मैच 50 मिनट की ताखीर से 8:20 पर शुरू हुआ। शाहीन अफरीदी ने पहला ओवर कराया ही था कि बारिश फिर से शुरू हो गई। मैच को रोकना पड़ा, विकेट को कवर से ढांपना पड़ा। बारिश रुकने के बाद मैच के ओवर्स कम ना किए गए। दोनों टीम्स मैच से 2 घंटे पहले ही स्टेडियम पहुंच गई। खिलाड़ी ग्राउंड में हाथ पांव खोलते रहे। पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरा। बड़े टाकरे में पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली। बार बार नाकाम होने वाले आजम खान को ड्रॉप कर दिया गया। इमाद वसीम टीम में इन। बाबर आजम कहते हैं माजी गुजर चुका, बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। पूरी टीम का मोराल बुलंद है। भारतीय टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। मैच से पहले भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह के पांव में तकलीफ की खबर सामने आई। भारतीय मीडिया के मुताबिक बुमराह ने मैच में शिरकत के लिए फिटनेस टेस्ट पास किया। ये वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है पाकिस्तान इंडिया हमारे बैकयार्ड में देखने के लिए, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। पाकिस्तान को ही हम सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह आज पाकिस्तान जीतेगा। मेरा फेवरेट क्रिकेटर नसीम शाह। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू सी देम प्ले इन पर्सन। पाकिस्तान जो है वो इस दफ़ा न्यूयॉर्क में मैच हो रहा है, तो इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब लोग बड़े एक्साइटेड हैं पाकिस्तान के मैच के लिए। यू नो दिस इज फर्स्ट टाइम इन USA। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और विश कर रहे हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। अच्छे खासे लोग एज ए ग्रुप ही जा रहे हैं और आई थिंक ऑलमोस्ट है वो कंप्लीट सोल्ड आउट गेम है। हमारी बेस्ट विशेज हैं कि हमारी टीम इंडिया से विन करे। न्यूयॉर्क का नसाउ स्टेडियम हाउसफुल। चौके और छक्कों पर शोर। पाकिस्तानी शायकीन की टीम ग्रीन से उम्मीदें, भरपूर सपोर्ट। सारा फोकस गेम पर लगाने का मशवरा। कहा पिछली हार को भूलकर भारत को बस दुबोचना है। भारतीय शायकीन भी बड़ी तादाद में स्टेडियम में मौजूद। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जीत का आजम वीडियो पैगाम जारी। नसीम शाह ने कहा कि सारी दुनिया की नजरें इसी मैच पर हैं। शाहीन आफरीदी ने पाक भारत गेम को सबसे बड़ी गेम करार दिया। अहमद वसीम और शहदाब खान बोले कि दोनों मुल्कों की आवाम को मजा आएगा। बाबर आजम से आप मैच वही जितवा सकते हैं इंडिया का, एक तो हमारे लिए बहुत अहम मैच है, जीतना भी जरूरी है। अल्लाह करे पाकिस्तान जीते। आज पहला मैच हारने के बाद पाकिस्तान के टूर्नामेंट में रहने के लिए आज का मैच जितना बड़ा इंपॉर्टेंट है और बाबर आजम और शहनशाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज का मैच वो हमें विन करवाएंगे। आज हम लोग इधर स्टेडियम में आए हुए पिंडी और मुझे पूरी उम्मीद है बाबर आजम से और बाकी खिलाड़ियों से कि वो आई होप सो कि अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान जीते। हमें बहुत उम्मीद है अपने खिलाड़ियों से, वो इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे। बाबर आजम से बहुत उम्मीदें रखती हूँ और शहनशाह अफरीदी से भी बहुत उम्मीद। वो अच्छी बॉलिंग करवाएंगे, विकेट लेंगे और बहुत अच्छी उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह वो लोग जीतेंगे। हर तरफ बस क्रिकेट फीवर। शायकीन के दिलों की धड़कनें तेज तर। मुख्तलिफ शहरों में सबसे बड़े टाकरे के लिए खुसूसी इंतजामात। कराची, लाहौर और रावलपिंडी में स्क्रीनें लगाई गईं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, गवर्नर हाउस, कराची और अलहमरा लाहौर में स्क्रीनें लगाई गईं। गवर्नर सिंह भी तलबा के साथ पाक भारत मैच देखने के लिए मौजूद। हार जीत अपनी जगह, कौम की उम्मीदें आपसे ही हैं। मारूफ गुलुकार अली जफर का कप्तान बाबर आजम के लिए खुसूसी पैगाम। कहा आप बगैर किसी खौफ के डट कर खेलें। शाहीनों के लिए जीत इंतहाई जरूरी। मेगा इवेंट में रहना है तो भारत को हराना है। मैच में शिकस्त अगले मरहले तक रसाई इंतहाई मुश्किल बना सकती है। अगर मगर का खेल शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते और मैच दिलचस्प हो और आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक मैच जाए।
बहुत बहुत दुआएं पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए। टीम तो है ही पाकिस्तान, वो तो हमेशा से ही पाकिस्तान रही है। शोबी सितारों ने पाक भारत मैच पर नजरें जमा ली, कौमी टीम से जीत के लिए उम्मीदें लगा ली। फिल्म स्टार मीरा और मुमताज बेगम की मुकम्मल दुआएं और सपोर्ट टीम के साथ, हैदर सुल्तान और मोहसिन गिलानी की तवज्जो मैच पर, अदाकारा दुर्दाना रहमान और फिल्म स्टार जिशान राहिल का कौमी टीम को जमकर खेलने का मशवरा। आज का मैच है बड़ा अनफॉर्चुनेट था, खैर वो तो आप सबको पता होगा ना कि रीजन थी कि हमारी आईएमएफ से चल रही है डायलॉग, और उनकी एक शर्त ये भी थी कि क्रिकेट मैच आपने अमरीका से हारना है, तो हम इसलिए हार गए। लेकिन आज हमने हिंदुस्तान को मजा चखाना है, वो तो ऐसे ही दिखा हुआ था ना ट्रेलर, हम है ना वो हमने हिंदुस्तान को बेवकूफ बनाने के लिए राइट का इंडिकेटर दिया, हम मुड़ेंगे लेफ्ट को। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वर्ल्ड कप पर दिलचस्प तज्जिया, मजाक से कहा सबको मालूम है आईएमएफ से मुज़ाकरात चल रहे हैं जिसके बायस मैच हारे, पहले मैच में भारत को बेवकूफ बनाने के लिए हारे, राइट का इशारा देकर अब हम लेफ्ट पर मुड़ेंगे, टीम जीत कर आएगी, टीम जीती तो इस्तकबालिया देंगे वरना फेयरवेल होगी। वजीर आला के मजाहिया तबसरे पर हॉल कहकहों से गूंज उठा। टी20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टीम 7 बार आमने सामने आ चुकी, भारत को 5 और पाकिस्तान को 1 मैच में फतह मिली। एक मैच टाई हुआ जिसका फैसला सुपर ओवर पर हुआ। टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 12 बार दोनों टीम टकराई, 9 मैच भारत जबकि 3 मैच पाकिस्तान ने अपने नाम किए। पाकिस्तान को ही हम सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह आज पाकिस्तान जीतेगा, विश कर रहे हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान इंडिया की वजह से जो है वो काफी लोग एक्साइटेड हैं। मैच का हम बड़ा बेताबी से वेट कर रहे हैं, प्रेशर दोनों टीमों पर होगा, फैंस भी इतनी तरफ एक्साइटमेंट है, प्रेशर तो होना ही सब वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों टीमों के दरमियान ही होता है। जैसे के बड़े मैच की सबसे बड़ी कवरेज, एक्सप्रेस न्यूज ने दी पल पल की खबर, न्यूयॉर्क से बराह रास्त रिपोर्टर्स की टीम के तजिए, पल पल की सूरत हाल से आगाह रखा, शायकी ने क्रिकेट का जोशो जज्बा भी भरपूर दिखाया। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने नून लीग को खैराबाद कह दिया, पार्टी छोड़ने का ऐलान। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि सियासी लोग हैं, खामोश नहीं बैठ सकते, काफी अरसे से जमात से तहफुजात थे, पार्टी का मौकिफ तब्दील हो गया, इसलिए अलग होना बेहतर था। शाहिद काका नबासी की अवामी पार्टी में जाने का इरादा नहीं, फिलहाल किसी सियासी जमात में जाने का कोई इरादा नहीं, सियासत में आइंदा के लिए अमल का ऐलान जल्द करूंगा। मोहम्मद जुबैर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साबिक तर्जुमान थे। वजीर आला पंजाब का वजारतों और महकमों की रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला, फालतू और खसारों के शिकार इदारों की डाउन साजिंग की जाएगी। मरियम नवाज ने रीस्ट्रक्चरिंग के मंसूबे की मंजूरी दे दी, मंसूबे के तहत एक ही काम करने वाले इदारों को जम किया जाएगा, वजारतों का हजम कम करके सरकारी उमूर की अंजामदही में आसानी पैदा की जाएगी, रीस्ट्रक्चरिंग से अरबों की बचत होगी। वजीर आला पंजाब कहती हैं मुल्क अच्छे मुआशी हालात की जानिब रवां दवा हैं, आटे और रोटी समेत मुख्तलिफ अशिया की कीमत में कमी खुश आइंद है, हुकूमत अवाम की मुआशी तरक्की के लिए दिन रात काम कर रही है। पंजाब हुकूमत के 100 दिन पूरे हो गए, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कारकर्दगी रिपोर्ट बता दी, बयान में कहा रोटी 12 रुपए तक आ गई, महंगाई में 17, दवाई फीसद तक कमी आ चुकी है, मुफ्त और इलाज की फराहमी घर की दहलीज तक पहुंचने का सिलसिला जारी है, महंगाई में कमी आती ही बानी पीटीआई को तकलीफ क्यों होती है, मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाले फिर मुतहरिक हो गए, 100 दिन में दुरुस्त फैसलों ने आवाम को तारीखी रिलीफ दिया। हमाद अजहर समेत पीटीआई के 45 अराकीन पर हाफिजाबाद में मुकदमा दर्ज, हमाद अजहर पर तकरीर के दौरान हुकूमत पर हरसा सराय का इल्जाम, साबिक एमएलए शौकत भट्टी, एमपीए जमीरुल हसन भट्टी और पीटीआई के जिला सदर इमरान हैदर भी मुकदमे में नामजद, पीटीआई रहनुमाओं ने रात गए
ब्रिज दारा में किसान कन्वेंशन से खिताब किया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, लड़ाई छोड़कर सूबे के लिए काम करना होगा। सियासत ठंडे दिमाग का काम है, पड़ोसी कोई बयान देता है तो एंजॉय करते हैं। बिलावल जब भी केपी हाउस आएंगे डंके की चोट पर आएंगे। मोदी तीसरी बार भारत के वजीर आजम बन गए, ओहदे का हलफ उठा लिया। तकरीब में गैर मुल्की रहनुमाओं समेत 8,000 अफराद को मदऊ किया गया। बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद की भी खसूसी शिरकत। हलफ बर्दारी के मौके पर दिल्ली में सिक्योरिटी हाई अलर्ट।